हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है E वाई फाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक नया प्रैक्टिस सेट आज की इस वीडियो में हम लगाएंगे। ये विज्ञान के इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें रेलवे ग्रुप डी के अलावा NTPC का एग्ज़ाम हो जो CB2 का होना है, उसके लिए SSC के एग्ज़ाम, किसी प्रकार का एग्ज़ाम के ना हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर रोज़ाना मिलती रहेगी। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के विज्ञान, संविधान से संबंधित भी लगाया है, जनरल साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। इसमें हम विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें इम्पोर्टेंट हैं। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है उसके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो आए इस चैनल पर वो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें। पहला प्रश्न है, वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आराम करता है स्प्रिंग तुला के पाठ में। वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आराम करता है स्प्रिंग तुला के पाठ में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धि होगी या कमी होगी या परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन, परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तन, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? जब हम स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है क्योंकि चार ऑप्शन है, सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है, सिक्के का गुरुत्वीय त्वरण कम है, सिक्के पर वायु का प्रतिरोध अधिक है, सिक्के का गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है, क्योंकि जब हम स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर जब हम सिक्का और एक कागज़ की पर्ची दोनों को गिराएंगे तो अपेक्षाकृत तीव्रता सिक्के की होगी क्योंकि वजन भी उसमें अधिक होता है, इसके कारण सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन प्रयुक्त होने वाली गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। इसका सही आंसर होगा नियॉन गैस है। कौन सी? नियॉन गैस इसमें सही करेक्ट होगा क्योंकि प्रकाशीय सजावट और विज्ञान के लिए विसर्जन प्रयुक्त होने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। कोशिका के अंदर हम जो राइबोसोम का कार्य क्या है, वर्क क्या है, या पूछा क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ करना, स्रवन उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? जो पादप कोशिका होती है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? वह कोशिका भित्ति से, इससे कोशिका भित्ति से जो पादप कोशिका है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र एक हों परंतु संरचना अलग हो कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र एक हों परंतु संरचना अलग हो क्या कहलाते हैं? मेसोमर, टोटोमर, मोनोमर या आइसोमर। क्या कहलाएंगे वो? आइसोमर कहलाएंगे। क्या? आइसोमर कहलाएंगे। फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? ऑप्शन है अमोनियम, कोबाल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो बताइए कौन सी वायु चूने में पानी को सफ़ेद बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं, जो वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। किसमें? वायु में। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में से निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? ये चार ऑप्शन हैं, जिनमें से आपको आंसर बताना है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है, अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की। इसकी अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण से निम्न कोशिकाओं में दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो DNA का संश्लेषण किया था, उनका नाम पूछा है मिलर ने, खुराना ने, डी वेरियस ने या केल्विन ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो यह किया था खुराना जी ने। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इसने खुराना जी ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? चार ऑप्शन है, ऑर्गन, नियॉन, जेनोन या रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो कौन सी है वह? जेनोन गैस है, जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, आप याद रखना, जेनोन गैस का जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? चार गैस दी हुई है, रेडॉन, जेनोन, ऑर्गन और हीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कैंसर के इलाज में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? उसमें कैंसर के इलाज में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी रेडॉन गैस है, इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आपको याद रखना है, कैंसर के इलाज में कौन सी गैस, अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? रेडॉन गैस का। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में DNA होता है? चार ऑप्शन है, तारक केंद्र में, गोल्जी का उपकरण में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अंदर नाभिक के अलावा कोशिका में 21 कोशिकाओं में DNA होता है। इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकाओं में DNA पाया जाता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, उस पदार्थ का नाम बताना। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह पदार्थ है कौन सा? उस पदार्थ का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? कोलाइड। कोलाइड सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड पदार्थ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम CO बनेगा, कार्बन बनेगा? 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम CO बनेगा, कार्बन बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 110 ग्राम। इतना 110 ग्राम वह बनेगा। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कौन सा है? चार ऑप्शन है, लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन या मैग्नीज। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कार्बन। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कार्बन है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण को निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप का विकास किया है, जिसका नाम क्या है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण को निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप का विकास किया, जिसका नाम क्या है? हरिपथ, आरोग्यपथ, पर्यावरण पथ या वृक्षपथ। उनसे ऐप का विकास किया है, मोबाइल ऐप का, वह है हरिपथ का। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है, इसमें हरिपथ ऐप का विकास किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, राजमार्ग वृक्षारोपणों की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार हेतु किस संस्था को चुना गया है? हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु किस संस्था को चुना गया है? ये चार संस्थाओं के नाम हैं, इनमें से एक संस्था को चुना गया है 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु। उस संस्था का आपको नाम बताना है, उस संस्था का नाम क्या है? उसका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। थर्ड नंबर ऑप्शन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु संस्था को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मानव शरीर की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको देख के जाना है। मानव शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने अपनी पहली तरह योग किया वर्चुअल क्लासरूम करने के लिए गूगल के साथ करार किया गया है? अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने अपनी पहली तरह योग किया वर्चुअल क्लासरूम करने के लिए गूगल के साथ करार किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। यह किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने यह किया है। दूसरे नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत के किस संस्थान द्वारा एक नैनो पार्टिकल जिसे हम मेटाग्रिड विकसित किया है? अगस्त 2020 में भारत के किस संस्था द्वारा एक नैनो पार्टिकल जिसे मेटाग्रिड विकसित किया गया है? IIT गुवाहाटी, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। थर्ड ऑप्शन है IIT कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने, IIT गुवाहाटी ने नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित किया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके साथ स्वास्थ्य सहायक रोबोट जिसे हम रक्षक का विकास किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक का विकास किया गया है? आपको ये याद रखना है, रक्षक का विकास किसने किया है? दक्षिण रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे। क्योंकि रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक का विकास किया गया है? यह मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। कौन सा? मध्य रेलवे के द्वारा से किया गया रक्षक रोबोट जो रक्षक का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल करने वाला भारत का पहला बैंक, पहला फर्स्ट नंबर का बैंक पूछा है कौन सा है? HDFC, दूसरा ऑप्शन है SBI, तीसरा है ICICI, चौथा है PNB। तो उस बैंक का नाम क्या है? ICICI बैंक ने जो सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। कौन सा? ICICI। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास के हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है 15, 20, 25 या 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय समुद्र को क्या कहते हैं? सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय समुद्र को हम क्या कहा जाता है? ग्रह, दूसरा ऑप्शन है सौरमंडल, तीसरा है आकाशगंगा, चौथा है तारामंडल। तो क्या कहा जाता है? सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय समुद्र को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। क्या सौरमंडल इसको हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन, ये थे आज के क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। रेलवे ग्रुप डी, NTPC या SSC किसी प्रकार के एग्जाम की ना हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम, उन सभी में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने कराया है। इसी प्रकार वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं, वो वीडियो को शेयर करते हैं और वीडियो को जितना हो सके और वीडियो को लाइक करें। जो बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपके इस चैनल पर जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।